दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे बैटरी से रिलेटेड जो आपके बैटरी को कभी हीट नहीं होने देगी और टाइम से पहले ख़राब भी नहीं होने देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, क्या आप बैटरी खरीदने से पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखते हैं या फिर नहीं? दोस्तों आप देखते हैं या फिर नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ज़रूर देखता हूं कि ये बैटरी कब बना था और मैं कब इसको परचेज कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप बैटरी के साथ ही ना देखें, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करें उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। तो दोस्तों बैटरी के केस में ये होता है कि हम जब भी बैटरी को परचेज करने जाते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट पहले का हो, वो बैटरी एक साल या दो साल पुराना हो, तो दुकानदार हमेशा यही बात रहेगा बोलेगा कि बैटरी जब यूज होगा उस टाइम से इसका लाइफ काउंट होता है 4 ईयर 5 ईयर तक। लेकिन दोस्तों आप इस तरह के पेंसिल बैटरी या फिर इससे मोटे वाले बैटरी ये सब आप यूज किए होंगे पहले के रेडियो इस सब में, तो दोस्तों मेरे पापा जब अपने रेडियो के लिए बैटरी खरीदते थे इससे मोटा वाला, तो उसमें यहाँ पर डेट लिख कर चिपका देते थे कि कब मैंने इस बैटरी को यूज करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है, काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि बैटरी कितना दिन तक चलता है। तो इससे ये है कि जब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट नज़दीक का हो या फिर हम इसको एक महीने के अंदर ही परचेज कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग डेट के अंदर, तो ये काफ़ी दिन तक चल पाता था। ये चीज़ भी बड़ा बैटरी के साथ भी होता है, बैटरा हो या फिर बैटरी। तो दोस्तों इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप बैटरी परचेज करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 से 4 महीना के अंदर वाला ही लें। इससे ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो आप उस बैटरी को परचेज बिल्कुल ही ना करें, आप दूसरे दुकान में जाएं। ये हो गया पहला टिप्स बैटरी परचेज करने का तरीका। दूसरा टिप्स दोस्तों, बैटरी में जो डिस्टिल वाटर यूज होता है, धीरे धीरे वो डिस्टिल वाटर वेपराइज होकर उड़ता भी है और जिसके कारण डिस्टिल वाटर कम हो जाता है और अगर ओवर हो जाता है तो वो बाहर भी निकल जाता है। इसलिए डिस्टिल वाटर को आप कंटिन्यूसली चेक करते रहें, रेगुलरली चेक करते रहें कि उस पर है या फिर नहीं। अगर डिस्टिल वाटर आपके बैटरी पर कम हो जाता है, सेल से नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो आपके बैटरी का सेल डैमेज कर देगा। और जब आपके बैटरी का सेल डैमेज हो जाता है और आप जब बैटरी लोड नहीं ले पाता तब आप देखते हैं बैटरी में प्रॉब्लम क्या हुआ, तब आप डिस्टिल वाटर फिलअप करते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो वह बैटरी आपका कुछ हद तक डैमेज हो चुका है, आप पहले जैसा वह काम नहीं करेगा, वह बिल्कुल हीट होगा। इसलिए दोस्तों आप डिस्टिल वाटर रेगुलरली चेक करते रहें। तीसरा टिप्स दोस्तों, बैटरी में जो भी टर्मिनल कनेक्ट है, जो भी वायर कनेक्ट है, हमेशा उसको क्लीन रखने का प्रयास करें। दोस्तों क्लीन रखने का फायदा है, उस बैटरी में जो डीसी करंट सप्लाई होता है अगर आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक फॉलो भी करवाते हैं तो भी उसका करंट का लॉस है, और सही से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है तो भी करंट का लॉस है। इसलिए बैटरी का टर्मिनल को हमेशा क्लीन रखें। फोर्थ नंबर, आप टर्मिनल को हमेशा टाइट करें, कभी भी ढीला नहीं रखें, इससे आपका बैटरी का में वायर में हीट हो सकता है और साथ में बैटरी भी हीट हो सकता है। दोस्तों फाइव नंबर पे आता है, बैटरी को हमेशा अर्थ से ऊपर ही रखना है। अर्थ में कभी भी बैटरी रह जाता है या फिर रख देते हैं तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से। इसलिए जिस जगह पर भी आप बैटरी को रखते हैं उसमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके नीचे रख दें तो उसमें आपका बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। सिक्स नंबर पे दोस्तों, ये चीज मेरे एक व्यूअर ने ही कमेंट पूछी थी कि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बैटरी को यूज नहीं किया, वह काफी मतलब 4-5 महीने से डिस्चार्ज पड़ा हुआ था और वह अभी चार्ज नहीं ले पा रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है अगर कोई भी बैटरी हो या फिर मोबाइल हो या फिर किसी भी चीज़ का बैटरी अगर काफ़ी दिन तक डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, चार्ज उठा नहीं पाता है। कंटिन्यू चार्ज देते देते हो सकता है वह बैटरी चल जाए
या फिर वह बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं, कुछ दिन तक नहीं रह पा रहे हैं घर पे, तो आप अपने इन्वर्टर के बैटरी को पहले फुल चार्ज होने दें और उसके टर्मिनल को खोल कर रख दें ताकि वह बैटरी डिस्चार्ज न हो सके। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बैटरी को काफ़ी लॉन्ग तक चलाने के लिए। ये चीज़ इन्वर्टर बैटरी हो, गाड़ी का बैटरी हो, ये सभी चीज़ में ये काम आएगा ये टिप्स। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।